ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक न्यू रीडिंग लेके आए हैं जो कि होगी अक्टूबर मंथ की। बहुत ही बढ़िया रीडिंग होने वाली है जिसमें आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो यहाँ पर हम शेयर करेंगे फ्रेंड्स वो दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें, भविष्यवाणी कहें, घटनाएं कहें, जो आपकी लाइफ में दिख रही हैं, जो हो सकती हैं, ठीक है, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सो और वैसे भी अक्टूबर फुल ऑफ फेस्टिवल्स और अच्छे ही कामों का मंथ है, जो आपके लिए भी बहुत ब्यूटीफुल रहे, भगवान करे सबके लिए बहुत अच्छा रहे, खुशियाँ लेके आए। सो ये वाले महीने में देखेंगे कि किस तरह की एनर्जी में या किस तरह के चीज़ें आपके पास आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, इसे जनरल रीडिंग की तरह लें तो ये होगा तो ज़रूर आप सबके लिए ही मैच होगा, बट फिर भी इसे जनरल रहे, एक माइंडसेट सेट करके अगले महीने में ना जाएं, क्योंकि कल से अक्टूबर मंथ शुरू हो जाएगा और ये इसीलिए मैंने आपको बोला। दूसरी बात, इसे कोई भी देख सकता है, सन मून साइन और किसी भी राशि के, इवन नाम राशि के थ्रू भी देख सकते हो कि कभी कभी आपकी नाम राशि से जो मैच करता है। कुछ लोग अपना नाम सपोज रवि रख लेते हैं तो रवि का आर है तो आर राशि से जो जनरली तुला राशि बनती है, तो मैंने अपनी तुला राशि देख ली, हो सकता है मैं उस नक्षत्र में उसमें पैदा ना हुआ हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा नाम मेरे परिवार वालों ने रवि रख दिया या मैं रवि से ही, तो इस तरह से होती है नाम राशि, ठीक है। बाकी कुंडली के थ्रू अगर रखा है तो वो तो एक अलग ही चीज़ हो गई, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसमें आज हम एक नई चीज़ करेंगे, कार्ड्स के थ्रू तो देखेंगे, चार्म्स रीडिंग भी करेंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, चार्म्स आपके लिए क्या कहते हैं उसे भी ज़रूर देखेंगे, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो कैंसर यानी कि कर्क राशि, फ्रेंड्स देखते हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सो उसकी सबसे बड़ी दो भविष्यवाणी के लिए हम कार्ड्स को शफल करके अब आपके सामने एनर्जी निकालेंगे, प्लस हम इनके लिए कार्ड्स के लिए क्लैरिफायर निकालेंगे कि क्या क्लैरिफायर निकलता है, क्या दिख रहा है आपके लिए, प्लस आज हम लास्ट में चार्म्स रीडिंग करेंगे, चार्म्स के थ्रू देखेंगे कि क्या है आपके लिए अक्टूबर मंथ में। सो सबसे पहला स्लोइंग डाउन का कार्ड है, यानी कि कुछ रुकने थमने का कार्ड है, ये देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं फ्रेंड्स। सो फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो फ्रेंड्स, मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप अक्टूबर मंथ में या अभी तक किसी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, जहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि मुझे इस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली कैसे डील करना है, इस पर्सन को कैसे डील करना है, या ये पर्सन मुझे बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करता, मैं तो बहुत ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ इसे अंडरस्टैंड कराने के लिए, इसे अपनी बात बताने के लिए, बट इसे मेरी चीज़ें समझ नहीं आ रही। सपोज़ एक रिलेशनशिप में, सपोज़ प्रोफेशनली आपको नहीं समझा पा रहे आप किसी को अपनी बात, ऐसी सिचुएशन में मुझे दिख रहा है आप अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अक्टूबर मंथ में। आप मुझे एक ब्रेक लेते नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के थ्रू, प्लस अगर अभी तक आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, आप सोचेंगे कि मुझे थोड़ा रुकना चाहिए और थोड़ी सी एक दूरी बनाकर इस पर्सन के लिए या इस सिचुएशन में आगे का देखना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं मचानी चाहिए। मे बी आप शायद बहुत ज़्यादा टू मच एफर्ट कर रहे हैं, जो कि इसको समझ में नहीं आ रहा। सो कुछ इस तरह की मुझे आपकी सबसे पहली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आप एक ब्रेक, एक पॉज लेते नज़र आ रहे हैं इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में। अगला मैं देखती हूँ क्या दिख रहा है आपके लिए, वो है द लवर्स का कार्ड। क्लैरिफाई करेंगे कैसे ये लवर्स इस वक्त अगले महीने आपके लिए रेलेवेंट है। सो सबसे पहला कार्ड है द प्लेज, लवर्स को लवर्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, एंड अगला है सिक्स ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी ऐसी सिचुएशन में, पर्सनल लाइफ मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है क्योंकि लवर्स ही आ गया लवर्स को क्लैरिफाई करता हुआ, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं
वहाँ पर अगर आप उसके पास बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उसको दिखा रहे थे, सो वहाँ पर आप अपनी लव परसेंटेज थोड़ी सी कम करेंगे, उसे ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग किसी को, या तो आपको किसी से प्रपोज़ल मिलेगा या आप किसी को प्रपोज़ल देंगे, कुछ लोगों के लिए ये है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, जो बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे से दूर थे बट सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे थे। और कुछ लोगों का ये लग रहा है कि वो अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करके इस रिकन्सिलिएशन प्रोसेस पे धीरे धीरे काम करेंगे। सो इस तरह की सिचुएशन इन कार्ड्स के थ्रू दिख रही है मुझे कैंसर राशि के लिए। सो कैंसर, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये दो भविष्यवाणी। अब मैं चार्म्स के थ्रू देखती हूँ कि चार्म्स क्या कहते हैं आपको, क्या दिख रहा है अक्टूबर में आपके लिए। सबसे पहले मैं ये कार्ड्स क्लियर करती हूँ एंड देन मैं यहाँ पर चार्म्स रखती हूँ। सो चार्म्स क्या कहते हैं कैंसर के लिए। सो कैंसर के लिए चार्म्स कहते हैं, ओके, सो ये डेंजर का साइन आया है और इसका मतलब है आपको कुछ ऐसी चीज़ों से बचकर रहना है जो कि आपके लिए सही नहीं है। अब वो टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई टॉक्सिक बिहेवियर, या फिर आपकी खुद की एडिक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कैंसर इस सिचुएशन में। अगला मैं देखती हूँ क्या है। अगला यूनिकॉर्न का कार्ड आया है फ्रेंड्स, और यूनिकॉर्न कहीं ना कहीं सक्सेस का कार्ड होता है। सो आप सक्सेस के रास्ते पे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बचकर रहना है ऐसे लोगों से जो कि आपके लिए सही नहीं है और आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालते हैं, ठीक है। सो ये हो गई चार्म्स रीडिंग एंड आई होप कि आपको इस रीडिंग से और कार्ड्स की रीडिंग से आज बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो अक्टूबर मंथ के लिए। सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को अगर आपको क्लैरिटी देने में सफल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी के लिए बाय फॉर नाउ।